लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यस सर, जी सर, वैसा ही होगा सर। ओके सर, ओके। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह हो गई है कि हमारे गायब होने वाली बात जनता तक ना पहुंचे, ये कमिश्नर साहब का हुक्म है। जब तक खुफिया तौर से जांच पड़ताल करके हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे, तब तक ये बात जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना खामखा जनता का विश्वास पुलिस पे से कम हो सकता है। वांदा नहीं साहब, पहले से ही जनता का विश्वास पुलिस पे कम और शक्तिमान पे ज्यादा है। पहले ना साहब, चोर को देख के लोग पुलिस पुलिस चिल्लाता होता, बरोबर। अब शक्तिमान शक्तिमान चिल्लाता है, बरोबर। दूध में भैया पानी भी मिलाएगा ना तो इन लोग तो शक्तिमान को ही बुलाएगा। शट अप। इसकी वजह सिर्फ तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग हैं जो गलती से पुलिस डिपार्टमेंट में घुस आए हैं। तो कर लीजिए ना शक्तिमान को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती। बिल्कुल, तो कर लीजिए भर्ती। लेकिन एक प्रॉब्लम है साहब, शक्तिमान तो एक टाइच है, मेरा मतलब अकेला वन पीस, उसके जैसा ढेर सारा आदमी लाएगा किधर से? यही तो बात है, उसके जैसे ढेर सारे लोग हम लाए कहां से? अगर अगर सचमुच शक्तिमान जैसे ढेर सारे लोग अगर इस देश में आ जाए तो इस देश में पुलिस डिपार्टमेंट जैसे किसी डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी समाज में पुलिस के होने का मतलब है उस समाज में बुराई भी है, और शक्तिमान जैसे लोगों के होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यह समाज में बुराई किसी भी रूप में टिक पाएगी। सत्य वचन, सत्य वचन। ये पेपर वाला है, रिपोर्टर गंगाधर, ध्यान रहे उसे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिकर नोट साहब, अब पुलिस को गायब होने की बात बताएगा इच नहीं? बिल्कुल नहीं बताएगा, हम पूछेंगे भी नहीं महाशय। उसे गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए। क्या क्या गायब कर दे? वो जो आप छुपाना चाहते हैं, रहस्य वाली बात, गायब कर दीजिए उसे। किस रहस्य की बात कर रहे हो तुम? अब रहस्य तो रहस्य ही होता है महाशय, उसे रहस्य रहने दीजिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो रहस्य खुल। अब हमारे यहाँ आने का रहस्य जान लीजिए आप। हम यहाँ पर वो न्यूज लेने नहीं आए हैं। देखो, यहाँ ऐसी कोई न्यूज है भी नहीं जो तुम्हें मिलेगी। अब साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। खींचने आए हैं, खींचने खींचने खींचने। मतलब? फोटू, फोटू, फोटू खींचने आए, फोटू।
दरअसल क्या है कि वो कल के अंक में हम आप सब लोगों की फोटो छापना चाहते हैं शक्तिमान भैया के साथ, शक्तिमान शक्तिमान भैया के साथ। वाह, एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ शक्तिमान, देश के दो ही तो कर्णधार है, पुलिस वाले शक्तिमान। परंतु यदि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, अगर खिंचाने में कोई आपत्ति हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे पुलिस स्टेशन में खींच लेते, चलते हैं। अरे किधर जाता वीडियो खींचना अपना फोटो? अरे हाँ, अपना भी फोटो निकालना, अपन अच्छी पोज देगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, अकलमंद लगते हैं आप लोग, कमाल है। शक्तिमान देखकर आप लोगों को बहुत खुश होगा, वाह क्या पर्सनालिटी आप लोगों की, वाह वाह। अभी खींचते आप लोगों की फोटो, शक्तिमान भैया भी खुश हो जाएंगे। ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आइए मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, अरे साथ आइए। ये हुई ना कोई बात? नहीं, ये तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ। नहीं, शक्तिमान भैया के बगल में छोटा, अब फोटो इम्बेलेंस हो जाएगी, अब तुम वापस यहाँ पर आ जाओ। हाँ या हाँ, ये हुई ना कोई बात? नहीं, ये प्रोफाइल दिखाओ, इस प्रोफाइल में तुम मिथुन चक्रवर्ती देखते हो। हाँ, एक दो तीन स्माइल, हाँ, वाह। और तुम भी नहीं, दया प्रोफाइल किशोर कुमार देखते हो इसमें तुम, हाँ, एक दो तीन स्माइल। आप भी दे दीजिए, उधर देखिए, उधर देखिए, बहुत अच्छे। अरे बंद करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मिल गए हमें पर्याप्त फोटो, मिल गए अपनी न्यूज के लिए। कौन सी न्यूज? वही जो आप छिपा रहे थे, शक्तिमान भैया ने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा तो हम चलते हैं। सॉरी सर, पकड़ में गया तुम्हारा सर। ये खुदा, ऐसे सर फिरे लोगों का सर क्यों बना मुझे, क्यों? बेवकूफों, पहुंच गई ना न्यूज तुम लोगों की वजह से आज की आवाज में। हाँ, अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। क्या बात है कामिनी? एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। कैसी न्यूज? गेस करो तो जानो। क्या बारिश की वजह से ट्रेनें रुक गई है? क्या ये बड़ी न्यूज है? अयो, देश का किसी पार्ट में भूकंप अर्थक्वेक आया होगा, कल हम यही फोरकास्ट किया था। अरे भगवान ना करे आपकी ऐसी कोई भी भविष्यवाणी सच हो। हुई भी नहीं है। तो फिर जरूर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आया होगा जिसमें मैंने हिस्सा लिया है। नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कम ऑन गेस, कम ऑन गेस एवरीबॉडी, और से गिव अप, कह दो कि मुझसे हार गए। आमी जानी, टोमेटो का भाव जरूर कमती हो गया होगा। एकदम नहीं घोष बाबू, थोड़ी अक्कल से काम लो। ओफो कामिनी, तुम ही बता दो ना न्यूज क्या है। एक शर्त पर, पहले तुम वादा करो कि मुझे पार्टी दोगी। पार्टी? वो किस लिए? वो इसलिए गीता मैडम, क्योंकि ये अच्छी न्यूज आप ही से जुड़ी हुई है। मुझसे? क्या बात है गीता जी, कहीं शक्तिमान के साथ आपकी शादी तो नहीं होने जा रही है? क्या बोलते जय? पीस पीस कूल इट। ठीक है ठीक है, अगर ये न्यूज सचमुच अच्छी हुई तो मैं तुम्हें पार्टी जरूर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, गुड। लेकिन पहले ये तो बताओ कि सही न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि आज शाम को तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं। क्या? यस, ये न्यूज अभी अभी फैक्ट से आई है। कमिनी प्लीज। लेकिन गीता जी, आपने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में बताया नहीं? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। तो आप पूछ लेते हैं, बताओ ना डार्लिंग। बताओ ना गीता, प्लीज बताओ ना। अयो, बताओ ना गीता जी, क्या बता जी? हाँ हाँ गीता, अपने माता पिता के बारे में बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। मेरे पापा मोहन विश्वास पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्चर हैं। मतलब? मतलब परामनोविज्ञान पर रिसर्च, यानी शोध करना। 3 साल पहले वो अपने किसी रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, सिर्फ 3 महीने के लिए, मम्मी को साथ लेकर।
फिर उनकी रिसर्च बढ़ती गई और साथ ही उनके लौटने की तारीख भी। और अब जाकर उनके 3 महीने पूरे हुए हैं। ये न्यूज मेरे लिए सचमुच बहुत ही अच्छी न्यूज है। पापा को आने दो, मैं तुम सबको अपने घर में पार्टी दूंगी। सावधान सावधान, क्या एडिटर साहब आ रहे हैं? नहीं। तो क्या वो कुत्ते वाली मेम साहब आ रही हैं? नहीं। यहाँ हर कोई सस्पेंस फिल्म के कैरेक्टर की तरह क्यों बात कर रहा है? गंगाधर साफ साफ बताओ बात क्या है? बात बात क्या है? अरे बात अत्यंत भयावह, अप्रिय और आकस्मिक है। दरअसल आज हम एक अत्यंत सनसनीखेज समाचार लेकर आए हैं। देवी जी के बिना स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट। तुम न्यूज लाए हो, फिर तो सचमुच भयानक होगी। सुनिए सुनिए, गंगाधर जी न्यूज लाए हैं। जी हाँ लाए हैं, 100% लाए हैं। और हमें 100% विश्वास है कि आपको 200% जलन हो रही है। देवी जी, हम जानते हैं आप नहीं चाहती कि कोई आपके समकक्ष खड़ा हो, परंतु हमें कोई परवाह नहीं। देवी जी, इस बार ये न्यूज हमारे ही नाम छपेगी। एक बूंद अमृत जी, जी आप इस बार हमारा पूरा नाम छाप दीजिएगा। जानते हैं ना, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट चिखोली, जिला। तो फिर न्यूज के लिए क्या जगह बचेगा गंगाधर जी? जी ठीक है जरूर छपेगी। मैं तो तुम्हें पहले दिन से कहता आ रहा हूँ गंगाधर, यू आर वेरी टैलेंटेड। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो किसी के साथ काम करके? परंतु आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा हमें। नहीं, वो क्या है ना कि हमेशा मन में क्या क्या रह जाता था, मुंह से कहने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बताइए तो सही, तुम्हारी न्यूज क्या है? न्यूज अति चिंताजनक है। कितनी चिंताजनक गंगाधर जी? अत्यंत चिंताजनक देवी जी, इतनी चिंताजनक कि संपूर्ण राष्ट्र को चिंता ग्रसित हो जाना चाहिए। क्यों, क्या किसी नेता का देहांत हो गया? तो क्या विश्व बैंक ने कर्ज देने से मना किया है? नहीं। तो अमेरिका ने फिर धमकी दिया होगा? अरे नहीं बाबू मोसाय, नहीं। अयो जरूर पाकिस्तान ने CTBT साइन किया होगा। अयो नहीं। तो क्या भारत अपने सुंदरियों को मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेने देगा? अरे नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं। तो फिर सारे राष्ट्र को चिंताजनक होने की क्या वजह हो सकती है? अरे वजह तो देवी जी हम तभी बताएंगे ना जब आप लोगों में से कोई सुनना भी चाहेगा। अरे आप लोग जानते नहीं कि समाचार इतना भयानक है कि आप सब लोग सुन लेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर रोंगटे खड़े कीजिए जी। इनका मतलब है अब आप वो समाचार सुना ही दीजिए गंगाधर जी। तो सुनिए, बात कल रात्रि की है। नहीं नहीं, मध्यरात्रि की है। नहीं नहीं, मध्यरात्रि के थोड़ा पहले की है। नहीं नहीं, मध्यरात्रि से थोड़ा बाद की है। मध्यरात्रि से थोड़ा पहले की है कि थोड़ा बाद की है कि थोड़ा? ओफो, लेकिन बात क्या ये तो बताओ। हाँ याद आया, बात दरअसल मध्यरात्रि के एक पहर बाद की है, जब सारा शहर खामोशी से नींद की गोद में खामोश सोया पड़ा था, जब शहर में भयंकर शांति थी, भयानक शांति थी, जबरदस्त शांति थी। सारा शहर कब्रिस्तान की तरह सन्न पड़ा हुआ था, जब सारे शहर के कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था, जब बच्चों ने रोना बंद कर दिया था, ऐसा जबरदस्त सन्नाटा कि झिंगुर भी खामोशी से छिन्न छिन्न झिन्ना रहे थे। सियारों ने अपने मुंह में लकड़ी ठूस दी थी ताकि उनके मुंह से आवाज न निकले। हवा बहुत तेज बह रही थी मगर साई साई करना उसने भी बंद कर दिया था।
ऐसा लग रहा था जैसे सब लोगों ने मिलकर मौन व्रत धारण कर लिया हो। ऐसी जबरदस्त शांति की शहर में कि अचानक जनकपुरा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था वहां? कुछ नहीं हुआ वहां पर, कोई आदमी था ही नहीं वहां। क्या? हाँ, वहां कोई नहीं था। वहां उपस्थित सारे लोग, इंस्पेक्टर साहब, हवलदार साहब, कैदी साहब, पुलिस साहब, सिपाही साहब, सारे साहब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें निकल गई हो, आसमान उन्हें खा गया हो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ देवी जी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं देवी जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। पूरे 3 घंटे के बाद वो सारे के सारे लोग वापस आ गए, परंतु उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं था। उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो कहां गए थे, उन्हें ये भी याद नहीं था कि कौन उन्हें उठा ले गया था। हाँ, लेकिन उनकी गर्दन पर कांड के नीचे एक निशान था। क्या बात है गंगाधर जी, आप मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? ये आपकी गर्दन पर निशान कैसा है कामिनी जी? निशान दिखाओ। हाँ कामिनी, तुम्हारी गर्दन पे तो सचमुच निशान है। क्या? हाँ, हाँ? देखूं तो? Oh my God! मगर मैंने पहले कभी अपनी गर्दन पर ये निशान नहीं देखा। वो लोग भी यही कह रहे थे, उनकी गर्दन पर भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही निशान था। तो क्या इसका मतलब आप भी रात को गायब रही थी कामिनी जी? गायब? What nonsense! मैं रात भर अपने बेडरूम में थी। वो पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि रात भर वो पुलिस स्टेशन पर ही थे, लेकिन पूरे 3 घंटे वो पुलिस स्टेशन से गायब थे। लेकिन ये सब तुम कैसे कह रहे हो? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? जी हाँ। नहीं, वो हमने कहाँ देखा अपनी आंखों से, हम कहाँ से देख सकते हैं, वो हमने नहीं देखा अपनी आंखों से। तो फिर किस आधार पर तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? आपका नाम तो गीता विश्वास है देवी जी, परंतु हम कुछ कहेंगी तो आप उसका विश्वास नहीं करेंगी। अच्छा, दरअसल ये सारी बातें हमें शक्तिमान भैया ने बताई है। तो क्या शक्तिमान ने तुम्हें फिर से लिप दी थी? नहीं। तो फिर नुक्कड़ पे चाय पीते हुए मिल गया होगा? नहीं। तो फिर क्या शक्तिमान ने तुम्हें ये सब सपने में बताया था? जी हाँ। आपको कैसे पता चल गया ये सब? तुम अपने सपनों की बातें सुनाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जी नहीं, हम किसी का समय बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि हम तो आप लोगों को एक अद्भुत अनोखा समाचार सुनाने जा रहे हैं, जिसे केवल हम और हम ही लेकर आए हैं। देवी जी, हमारा समाचार आपकी तरह बिना प्रमाण का नहीं होता। अरे हमारे तो सपने भी प्रमाणिक होते हैं। अरे हमारे पास प्रमाण, अभी दिखाते हैं आप सभी लोगों को। दिल थाम कर खड़े रहिए, अब हमारी बारी है। ढेंटेंग, देखिए ये है हमारे समाचार के प्रमाण। ये उन लोगों के फोटो हैं जो पुलिस स्टेशन से गायब हो गए थे। देखिए इनकी गर्दन पर भी वही निशान है जो कामिनी की गर्दन पर थे। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, आप भी देखिए ध्यान से। ओरे पापा, ये तो बिल्कुल कामिनी के निशान के मापित निशान हो। हाँ देखो, वैसा ही है, एकदम वैसा है। हाँ, कामिनी की गर्दन पे जो निशान है बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अय्या, रामकृष्ण रामकृष्ण, ये निशान तो एकदम कामिनी के गर्दन जैसा निशान जी है। हाँ कामिनी, ये निशान तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो क्या मैं सचमुच गायब हो गई थी? जी हाँ कामिनी जी, आप सचमुच में गायब हुई थी। ऐसा हुआ होगा
आप जब सोने गई होगी ना तो आप दंत मंजन करना भूल। हेलो, इसलिए आपकी आत्मा क्या एडिटर साहब? हाँ हाँ, कब? ओह नो, क्या बात है लीला? एवरीथिंग इज ओके? वो एडिटर साहब, क्या हुआ, क्या हुआ उनको? बोलो लीला बोलो, बताओ तो सही किसका फोन था? वो एडिटर साहब की वाइफ का, हॉस्पिटल से। एडिटर साहब एडमिट है हॉस्पिटल में। क्या? हाँ, एडिटर महोदय रुग्णालय में है भाई, तब तो हम सब लोगों को वहाँ चलना चाहिए, क्यों भाई? हाँ हाँ, चलो चलो, ठहरिए। अगर सब जाएंगे तो ऑफिस में कौन रहेगा? ऐसा करते हैं, मैं और गंगाधर जाते हैं, आप लोग ऑफिस में रहकर काम संभालिए। कल के लिए आज की आवाज की कॉपी भी तो निकालनी है। हाँ भाई, देवी जी ठीक कह रही है, आप सभी लोग संभालिए ऑफिस को और हम लोग जाकर संभाल कर रुग्णालय को। आइए देवी जी, चलिए आइए आइए। शक्तिमान होता है जब आ